बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर जा रहे हैं डोलमेन मॉल में। क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको कोई स्पेशल चीज़ का विज़िट कराऊंगी। आज हम जाएंगे डोलमेन मॉल में, उसके बेसमेंट में मिनीसो है, उसका विज़िट करवाऊँगी। और है मैं यहाँ के आपके गोलगप्पे दिखाऊँगी। डोलमेन मॉल में हम बच्चों के लिए गए, आप सबको जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं उनको पता है कि डोलमेन मॉल में हम सबसे पहले जाते हैं तो बच्चों के डोनट खाने होते हैं। बच्चों ने सबसे पहले डोनट खाने होते हैं, तो डोनट में इस दफ़ा जो थे वहाँ ये छोटे छोटे डोनट पड़े हुए थे, जो 6 या 8 या 9 स्पीयर में दे रहे थे, जो कम महीने थे दे रहे थे। जो 6 थे वो थे 200 में, 200 के आपका जो छोटे छोटे डोनट थे वो उसने, जो मेरा छोटा है वो ज़रा आपको सबको पता है, तो उसको ने वो देखते ही कहा कि मुझे ये चाहिए। मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, कुछ ना होने से मतलब बच्चा कुछ ना कुछ खाएगा तो सही ना शौक से, वरना वो बड़ा वाला डोनट ले लेता है लेकिन आजकल वो खा नहीं रहा। तो मैंने ये लिए थे, माशाल्लाह से दोनों ने मिलके ये ख़त्म कर लिए थे। अभी आप नहीं खा रहे हैं? रोली गोल वही उनके खाने के बाद हम अगेन जो थे उनको सिंधबाद में थोड़ा बहुत घुमाया और फिर हम नीचे आ गए। मैं आज से मेरा था कि हम जो है, मैंने बहुत सुना है मिनीसो मिनीसो आखिर क्या है ये, मैं भी आज देख ही लूँ अगर यहाँ क्या है। तो इसकी बेसमेंट में मुझे पता चला था कि डोलमेन की बेसमेंट में जो है मिनीसो की शॉप है, तो मैंने कहा चलो आज इसको विज़िट करते हैं। तो उससे पहले उनकी दादू ने कहा कुछ खा पी लेते हैं। शादी को 6 साल हो चुके हैं पर मैंने आज तक जो है कराची में कुछ अच्छे स्वाद के गोलगप्पे नहीं खाए, पर आज जो है मुझे आखिरकार जो है कराची में एक अच्छे गोलगप्पे की दुकान मिल ही गई है। कराची में जब तक आज 6 सालों में मैं जितनी दफ़ा भी गोलगप्पे खाए हैं, या तो मुझे उसकी वो जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चने ही मिले थे खाली हुई, या तो चने कच्चे होते थे या तो जो गोलगप्पा होता था उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। डोलमेन मॉल का जो जहाँ एग्जिस्टिंग जो गेट है, मतलब कि जहाँ से आप बाहर निकलते हैं उसके बिल्कुल सामने ही 3-4 शॉप्स खाने की, तो वहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे गेट से तो लेफ़्ट साइड पे जो सबसे कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे जो लास्ट दुकान है ना खाने की, उसमें से हमने गोलगप्पे खाए थे। या इतने मज़े के गोलगप्पे थे कि मैंने कराची में आज तक इतने मज़े के गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। 90 रुपीज़ की जो है वो प्लेट देते हैं, प्लेट में मेरे ख्याल से 6 या 8 होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इतने ही होते हैं, कम होते हैं, दर्जन से कम होते हैं। तो मेरे बच्चे को चाहिए थे सिंपल वाले गोलगप्पे और वो थी प्लेट 60 की, फिर मैंने उसको लेके दी। अल्लाह का शुक्र उसने वो खा लिया था, मुझे वरना मुझे ये लगा था कि मुझे ही खाने पड़ेंगे। और यहाँ मतलब जब भी तारक रोड पे आते हैं हमारी ये होती है कि चाय पी लें, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान सफ़र पे आए और वो भी दो शरारती बच्चों के साथ आए तो फिर इंसान को थकावट तो हो ही जाती है, तो फिर चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो है दिमाग रिलैक्स हो जाए। वैसे मैं चाय की इतनी आदी नहीं हूँ पर कभी कभार पी लेती हूँ। तो चाय पी यहाँ से चाय भी अच्छी थी पर मीठा ज़ाहिर है ज़्यादा होता है, जो बाज़ार की जितनी भी चाय होती है मीठा उनमें ज़्यादा होता है, तो मैं ज़्यादा मीठा पीना पसंद नहीं करती, पर हाल चाय थी पी ली। उसके बाद जो है इनकी दादों की फेवरेट जो है सबसे फेवरेट वो है चाट है, तो जब भी वो जाती हैं या डोलमेन रोड के पास तो वो चाट ज़रूर खाती हैं। लेकिन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको चाट की दुकान दिखाई थी वहाँ से खाती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने यहाँ की भी ट्राई की, यहाँ की भी अच्छी थी पर उनकी दादों को वहाँ की ही अच्छी लगती है। वहाँ की जो चाट है वो 70 की आई थिंक है और यहाँ की जो चाट थी ये 90 रुपीज़ की। तो अच्छा हाँ, ये फिसलने वाले नहीं है, ये थोड़ा सॉफ्ट है। हाँ ये भी है जूते मर्दाना जनाना लेडीज करने दे आते तो ये भी है, ये मेरे पे प्राइस चेक कर, सफर कर फट जाएगा।
आराम से कोई चीज नहीं उठाना। $800 इतने बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने नहीं लेके देने। आते में बहुत ज़्यादा पैसों का कुत्ते टूटते। मामा ये मुझे अभी लेके दे दे। कितने की है? ये भी लेके दे दे मुझे। $300 मामा क्या? $300 है। मुझे कि मेला है जल्दी आए। थ्री पे आते। $300 हाँ दादू बुला रही हैं दादू को, तो देखो दादू ये पकड़ के रखे हैं, उधर ही रखे हम आते हैं। आते हैं छोड़ दे वो देख क्या कर रहा है। आते हम गंदा कर रहे, रखो वापिस उठाओ जल्दी। कहाँ से उतार है? उसके बाद हम पहुंच गए डोलमेन मॉल की बेसमेंट में, मनीसो में। वहाँ हम गए, मनीसो के अलावा भी हमने यहाँ कुछ विजिट किया था, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और मनीसो में हम गए, मैंने देखा कि आखिर कर देख ही लूँ आज इसमें क्या है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन जो सबसे जो मुझे लगा यहाँ पर एक्सपेंसिव वो था सॉफ्ट टॉय, या छोटे बच्चों के जो आप दे रहे हैं सॉफ्ट टेडी बियर या जो भी पेंगुइन बना के जो भी आप बेच रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव 800 का एक स्मॉल सा वो जो है 800 का दे रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव मुझे ये लगा। बहरहाल बच्चों के जो बाकी चीज़ें थी वो मुझे थोड़ी बहुत इतनी नॉर्मल ही लगी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, पर ये जो सॉफ्ट टॉयज थे वो टू मच एक्सपेंसिव थे। यहाँ पहुँचते ही जो मेरे बच्चे थे उनकी फरमाइशें शुरू हो गई थी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो बहरहाल मैंने उनको कैसे वैसे करे बहुत बहाने करके उनको टाला कि अभी नहीं, अभी आपके पेपर हैं ये वो। आज आपको तो पता है कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं और बहुत टेंशन है कि इनके पेपर भी डिले हो रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी जल्दी कोरोना वायरस का मसला हल हो और बच्चों के पेपर हों, थोड़े रिलैक्सेशन हो। ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ या दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन की को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह आपको फिर नई जगह का विज़िट करवाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।